वन क्षेत्र बनाने वाले व्यापारियों को 1 लाख रुपए से सम्मानित करेगी सरकार। हुनर के कौशल विकास से दिया जाएगा युवाओं को रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। वन क्षेत्र बनाने वाले व्यापारियों को हरियाणा सरकार 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के छछरौली में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्टोन क्रैशर और प्लाईवुड व्यापारियों से अपील की कि वे एक एक एकड़ जगह में पौधारोपण करके वन क्षेत्र बनाएं। इस कार्यक्रम में प्रथम 10 स्थानों पर आने वाले लाइसेंस धारकों को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने अनाज मंडी परिसर में पौधारोपण कर महोत्सव का शुभारंभ किया और वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के अलावा 4 एम्बुलेंस वाहनों को जन सेवा के लिए समर्पित किया। जैसा मनुष्य का जीवन है, ऐसा वन का जीवन है। ये प्रेम यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इसकी सुरक्षा करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। और इसको बढ़ाने के लिए जैसा हमारे वन विभाग ने तय किया, मैं बधाई देता हूँ विभाग के हमारे अधिकारियों को, विभाग को, कि जिन्होंने इस वर्ष एक बड़ा लक्ष्य लिया है वन को बढ़ाने में, पेड़ों को लगाने में। हमने तय किया कि हर परिवार कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाएगा, हर साल 1 पेड़ लगाएगा, तो कम से कम इन वनों का जो ऋण है, जो हम ऑक्सीजन खाते हैं, साल भर खाते हैं, जिसको सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, उस ऑक्सीजन का ऋण हम साल भर में तब उतार पाएंगे यदि हम, हमारा परिवार 1 भी पेड़ लगा देगा तो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो ऋण उतार पाएंगे। ये 400 लाइसेंसधारी, इनको 400 एकड़ हर एक को 1 एकड़ जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी, 1 एकड़ पर ये वन लगाएं और वन लगा करके उन 400 में से पहले 10 प्रतियोगिता के रूप में जो अच्छा वन लगाएंगे, उन 10 पहले ऐसे लाइसेंसधारियों को हम सम्मानित करेंगे, उनको रिवार्ड देंगे। पहला रिवार्ड उसमें 1 लाख रुपए का होगा। ये 400 एकड़ वन लगाने का काम भी कहते हैं सौंप दिया। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा ने एक और पहल की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की उपस्थिति में हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा कौशल विकास के मिशन निदेशक और तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक सुभाष चंद्र और भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कंट्री निदेशक जैको सेलियर्स ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास की गति रोजगार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रदेश में युवाओं के कौशल का विकास कर उनके हुनर के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा के जो बेरोजगार युवक हैं, चाहे वो किसी भी आयु के हैं, कोई भी उन्होंने पढ़ाई की है अथवा पढ़ाई नहीं भी की है, तो भी किसी प्रकार के स्किल को सीखने की उनकी इच्छा मात्र से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। हम उनके कौशल का विकास करने की दृष्टि से जगह जगह पर विभिन्न विभागों के माध्यम से हर प्रकार के उनको विकास की दृष्टि से जो प्रकल्प चलाए जाने वाले हैं वो सब चलाएंगे, और इसमें हमारे केंद्र सरकार की जो योजना है वहाँ से भी हमको पूरा सहयोग मिलेगा। और आज इस काम के लिए हमने UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक MOU किया है कि इनके सहयोग से हरियाणा में हम इस प्रकार के काम को आगे बढ़ा सके ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। खबर हरियाणा में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।